हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग में आपको किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना है। एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, काउंसलिंग में आप जब ओपन करेंगे dmeemp.gov.in वेबसाइट, तो आपको इस तरह से एक पेज ओपन देखने को मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पर रेड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, डीएमई अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज जो ओपन आपके सामने होगा वो इस तरह का पेज होगा, जिसमें आपको क्लिक करना है क्रिएट प्रोफाइल पर। क्रिएट प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आप लोगों को आपका नीट का रोल नंबर फिल करना है और एक सिक्योरिटी की फिल करना है। सिक्योरिटी की क्या होगी, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपके नीट का एप्लीकेशन नंबर है 2222123456 89 और आपके नीट का स्कोर है 358, तो जो आपकी सिक्योरिटी की होगी वो क्या होगी, जो आपका रोल नंबर है, नीट का स्कोर है वो, बीच में एक ज़ीरो लगा है, जो नीट एप्लीकेशन नंबर और आपकी जो नीट के स्कोर हैं उसके बीच में एक ज़ीरो लगाना है। फॉर एग्जांपल, आप सेकंड एग्जांपल को देखिए, वहाँ पे नीट के एप्लीकेशन नंबर और 98 है, तो यहाँ पर आपको नीट का एप्लीकेशन नंबर लिखना है पूरा, फिर आपको दो बार ज़ीरो लगाना है, फिर आपको 98, तो ये आपकी सिक्योरिटी की होगी। सिक्योरिटी की में अगर आपके टू डिजिट में मार्क्स आए हैं तो आपको ज़ीरो और अपने मार्क्स करना है, मतलब दो बार ज़ीरो लगाना है, और अगर आपके थ्री डिजिट में मार्क्स हैं तो आपको बीच में एक बार ज़ीरो लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको अपनी सिक्योरिटी की जनरेट करनी है। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ इस तरह से वो पेज दिखाई देगा। आप अच्छे से स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेज इस तरह दिखाई देगा, जहां पर आपको आपका नीट का रोल नंबर और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपके मार्क्स ऑलरेडी आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। फादर्स नेम आपको लिखना है, कैंडिडेट का नेम, यहाँ पर जहाँ पर टेस्ट लिखाई दे रहा है, फादर्स नेम, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी दिखेगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कंफर्मेशन ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, समग्र आईडी फिल कर सकते हैं, आधार कार्ड फिल कर सकते हैं, कुछ भी, एनी नंबर मेंशन इन फ़ोटो आईडी प्रूफ, तो आधार कार्ड अगर आप दे रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर आप दे सकते हैं। आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। उसके बाद आपको बैंक के अकाउंट की डिटेल देना है, आपका खुद का हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो अपने खुद का बैंक डिटेल देना है, क्योंकि आप जो पेमेंट करते हैं सिक्योरिटी, तो वो सारी अमाउंट इसी में रिफंड आता है, इसीलिए आप अपना ही अकाउंट दें। उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप 4 आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से आपको OTP आएगी, आपको OTP फिल करना है ऑन योर मोबाइल नंबर, क्रिएट न्यू ID पासवर्ड, आप वहाँ पे अपना फिर से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और आपका पासवर्ड आप सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आपने पासवर्ड सेव कर लिया है, आपको वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपको इस तरह से ओपन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन DMEUG 2022 काउंसलिंग। अभी आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है, नेक्स्ट स्टेप जो आपकी होगी, आपको इस तरह से पेज ओपन देखने को मिलेगा, आप एडिट प्रोफाइल पे जाकर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को इस तरह से एक फॉर्म आएगा पूरा, आपको वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल में फिल कर देना है। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी पूछी गई है, आप इस प्रोफार्मा को डाउनलोड कर सकते हैं DMEMP ऑनलाइन की वेबसाइट से, और आप सारे सब कुछ आपके जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है आप फिल कर सकते हैं।
उसके बाद आपको आपका स्कोर, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कितना स्कोर है वो सब कुछ मेंशन करना है और सेव कर देना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो वो है आपका नीट का एडमिट कार्ड, क्लास टेंथ की मार्कशीट, क्लास इलेवेंथ की मार्कशीट, क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट, एम पी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एफिडेविट ऑफ नॉट बींग डोमिसाइल ऑफ स्टेट अदर देन एम पी एंड हैव नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट। ये क्या है? ये एक एफिडेविट है जिसमें जिसका प्रोफार्मा आया है, कुछ देर में मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसको आप जल्दी से बनवा लीजिए और उसे आपको अपलोड करना है कि एम पी डोमिसाइल के अलावा आपके पास कोई और भी स्टेट की डोमिसाइल नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप सैनिक कोटा से, पीडब्ल्यूडी कोटा से है तो ये सारे आपको फ्रीडम फाइटर से आपको कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो सर्टिफिकेट होता है अगर आपके पास है तो उसे आपको अपलोड कर देना है, सेव कर देना है इसके बाद आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी, स्टेप 9, After clicking on Save in Closer button, the information submitted by the candidate will be display on the screen. आपको पूरी information screen पे दिख जाएगी। अगर information correct है तो आपको proceed करना है, payment आगे करना है। Information correct नहीं है तो आपको वापस जाकर अपनी सारी details correct करनी है। इस तरह से page open हो जाएगा। आपको यहाँ पर information सही है, proceed to payment for registration में जाना है और आपको जो भी आप use करते हैं इन सभी चीज़ों में आपको रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर देना है। इसके साथ आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन द रिसिप्ट विल बी जनरेटेड, यू मे टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं पेमेंट करने के बाद, सारी डिटेल आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, आपको ये जो कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर है जो आप लॉगिन करते हैं, जो सबसे पहले खुलता है, वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। उसके बाद आपको अगर एडिट रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे साइड में जाकर एडिट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप आएगी चॉइस फिलिंग। तो आपको क्या करना है, ये जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, जिस दिन से चॉइस फिलिंग ओपन होगी आपको यहाँ जाकर क्लिक करना है चॉइस फिलिंग पे और चॉइस फिल करना है। एडिट चॉइस फिलिंग में यहाँ क्लिक करना है, चॉइस फिल एडिट करना है। फिर आपको रिसिप्ट को रीप्रिंट करना है, कोई भी रिसिप्ट जो जनरेट हुई है उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है। फिर आपका जिस दिन अलॉटमेंट आएगा तो आपको यहाँ क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो ये जो पेज आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वो पेज है जब आप लॉगिन करेंगे, आपने जो आईडी पासवर्ड बनाई है, तब ये पेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और ये जो आपको ग्रीन कलर से स्टेटस ट्रैकर दिख रहा है, इसमें आपकी एक एक स्टेप काउंसलिंग की जो होती जाएगी वो ग्रीन कलर का होता दिखाई देगा। तो आई थिंक आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों को अपना एफिडेविट बनाना है डोमिसाइल का वो, और आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।